नाबालिग पर शादी का दबाव बनाने वाला बिचौलिया में भावी दूल्हा गिरफ्तार। शादी के लिए ले जाते समय गाड़ी से कूदी लड़की, पुलिस ने भेजा आशा किरण। एक नाबालिग लड़की पर शादी के लिए दबाव बनाना उस समय महंगा पड़ गया जब भावी दूल्हे या बिचौलियों को पुलिस ने धर दबोचा। यह सारी कार्यवाही SDM मोहित अग्रवाल के संज्ञान लेने पर हुई। समाचारों के अनुसार दारूखेड़ा में बने बेसहारा बालिकाओं के केंद्र आशा किरण में रह रही नाबालिग लड़की ने सारी आपबीती न्यायाधीश मोहित अग्रवाल को बताई। लड़की ने बताया कि उसकी मां दूसरी शादी कर भिवाड़ी में अपने पति के साथ रहती है तथा वह पश्चिम बंगाल में अपनी दादी तथा बहन के साथ रहती थी। उसे एक सप्ताह पूर्व मां ने यहां बुलाया। उसे कहा गया यहां पर उसका जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड बनवाया जाएगा। जब वह अपनी दादी व बहन के साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो मां के द्वारा भेजे गए एक व्यक्ति ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और दादी व बहन को वापस गांव भेज दिया। तत्पश्चात उस पर शादी करने का दबाव दिया जाने लगा। वह शादी से इनकार करती रही। पीड़िता ने न्यायाधीश को बताया कि 1 जनवरी की रात 12 बजे जब बुलेरो गाड़ी में डालकर शादी हेतु भिवाड़ी से दारूखेड़ा ले जाया जा रहा था तो द्वारकाधीश सोसाइटी के सामने से चलती बुलेरो से छलांग लगा दी। तत्पश्चात आरोपी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए थे। वहां जमा हुई भीड़ ने दारूखेड़ा पुलिस को बुलाकर उसे आशा किरण भेज दिया गया। काउंसलिंग के दौरान लड़की की आपबीती सुनकर न्यायाधीश मोहित अग्रवाल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दारूखेड़ा पुलिस को आरोप चरखी दादरी के गांव रानीला निवासी भावी दूल्हे गोपाल तथा बिचौलिए दारूखेड़ा निवासी सुशील को गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए। पुलिस ने रविवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में संलिप्त मां तथा उसका दूसरा पिता घर को ताला लगाकर फरार हो गए। उनकी तलाश अभी जारी है। वहां की केयर टेकर से कि वहां एक लड़की है वो जो कोलकाता की बताती है अपने आप को, 2 दिन पहले पुलिस ने आशा किरण में करीब रात को 2:30 बजे छोड़ी थी, जिसका जो ये बताती थी कि उसकी जबरदस्ती किसी के साथ शादी की जा रही थी। तो आज मुझे बुलाया गया कि आप काउंसलिंग करके देख लो। अभी कुछ दिन पहले भी एक लड़की को यूपी में उसके माँ बाप से मिलवाया था तो उन्होंने बुलाया। तो आज छुट्टी का दिन, आज संडे है, तो मैं गया सुबह 10 बजे करीब। लड़की से काउंसलिंग हुई, उसने अपना नाम बताया, कहाँ से है ये बताया, और कैसे उसके फादर, जब ये करीब 2 साल की थी, इसकी मदर को छोड़कर चले गए थे और उसके कुछ सालों बाद इसकी मदर ने भी यहाँ पर कैरानी भिवाड़ी में किसी से शादी कर ली, किसी मुस्लिम से, ताहिर जिसका नाम है। तो इसकी एक सिस्टर है, इसके साथ रहती है, अपनी नानी के साथ कोलकाता में रहती है, मिशनरीज ऑफ दी वर्ल्ड स्कूल में ही 8वीं कक्षा में पढ़ती है, और बहुत ही अच्छी ये लड़की इंग्लिश बोल रही थी, जिससे पता लगता था कि इसको बहुत अच्छी शिक्षा वहाँ पर कलकत्ता में मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें पता करने के बाद इससे सारी कहानी पूछी गई कि कैसे आई। तो इसने कहा, जिसने कहा कि लड़की का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो आप इसको यहाँ पे भिवाड़ी में ले आओ। तो इसकी नानी इसको, बेटी को मधु जो भी है ये, और इसकी सिस्टर को लेकर यहाँ पर आ गए भिवाड़ी में 25 तारीख को। उसके एक दिन बाद शाम को इसको किसी के घर ले जाया जाता है, फ्लैट में दारूखेड़ा में 24 सेक्टर में, और वहाँ पर किसी के घर ले जाकर 6th फ्लोर पर इसको, वहाँ पर कोई मिडल मैन बैठा है जिसने अपने फ्रेंड से इसकी शादी कराने की सारी ये कहानी रची हुई थी। तो इसको किसी दुकान पर ले जाते हैं, वहाँ पर इसको लहंगा दिलवाते हैं, चूड़ियाँ दिलवाते हैं, श्रृंगार का सामान दिलवाते हैं, और वापस उसी फ्लैट में लाया जाता है। तो वापस जब फ्लैट में लेके आते हैं तो वहाँ एक और शख्स बैठा है, गोपाल, जिसके साथ इसकी शादी ज़बरदस्ती तय करनी शुरू करी हुई थी। तो इसने, लड़की ने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, मेरी उम्र अभी 15-16 साल है, मैं 8वीं में पढ़ रही हूँ, मुझे ज़बरदस्ती ऐसे नहीं शादी करनी, और मुझे छोड़ दो। तो जब इसकी नानी ने देखा कि यहाँ ज़बरदस्ती शादी होगी इसकी, तो इसको लेकर तो वहाँ से निकल गई और अगले दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आए। पीछे से इसकी मदर और इसके सेकंड फादर जो हैं पीछे पीछे दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गए और इसको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया और ये कह दिया कि जा तू एक सॉस की बोतल लेके आ, और किसी अनजान लड़के के साथ, जिसको ये लड़की नहीं जानती थी, भेज दिया। वो सॉस की बोतल दिलवाने के बहाने इसको ऑटो में बिठा कर ऑटो स्टैंड ले गया और साथ साथ कॉल करता रहा इससे पेरेंट्स को कि आ जाओ, मैं आपका काम कर दिया, बाहर से लड़की को बिठा कर ले जाओ। तो इसके पेरेंट्स उसी वक्त ऑटो स्टैंड पर गए, वहाँ से एक टैक्सी में बिठा कर इसको वापस भिवाड़ी ले आए और अगले ही दिन वापस उसी फ्लैट में ले गए जहाँ पर सुशील का फ्लैट है वो, जहाँ पर गोपाल से इसकी शादी उस दिन होनी थी। और जैसे ही इसको फ्लैट में लेके गए तो इसने बेटी ने पहचान लिया कि अब तो मुझे दोबारा ज़बरदस्ती शादी करेंगे और मुझको बचाने वाली मेरी नानी और बहन भी आज नहीं है। तो ये गाड़ी से कूद कर वहाँ पर भाग गई और ऊंची ऊंची मदद के लिए चिल्लाई, इसकी आवाज़ें सुनकर वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और बाद में इसको पुलिस को, महिला पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। तो इस तरह से काउंसलिंग करने के बाद, और मैंने वहाँ पर इसकी ग्रैंड मदर का नंबर भी मिलाया जो इसने बताया था, लेकिन वो मोबाइल भी किसी और को दे दिया गया है सर। अभी तो मैं सारा दिन रहा इन्वेस्टिगेशन में, और शुरुआत ही हमने की थी, पुलिस को बाद में बुलाया मैंने। तो इसमें जो मेन सुशील है, मिडिल मैन है, बिचौलिया जिसको कहते हैं, वो अरेस्ट हुआ और उसी के बताने पर ये गोपाल
जो है वो अरेस्ट हो चुका है, जबकि वहां पर रेड की गई थी इसके जहां पे पेरेंट्स रहते हैं, लेकिन वो जैसा ही उनको पता लगा या कैसे पता लगा कि हम आ रहे हैं तो वो अपना घर पे ताला लगा। पेरेंट्स हैं जो इसकी मदर, रियल मदर है, और जो एक सेकंड फादर है वो एक जो इसको जबरदस्ती वहां से ऑटो स्टैंड तक रेलवे स्टेशन दिल्ली से ऑटो वाला है या कौन है वो नॉन पर्सन है यहीं का, एक उसकी रहती है। तो तीन मेन लोगों की गिरफ्तारी अभी। इसने बयान में लिखवाया है कि इसने वहां पर सुना कि मिडल मैन जो ये बिचौलिया ये कह रहा था कि अब तो 20,000 में तुझे ले लिया है, अब तो शादी गोपाल से करनी ही पड़ेगी। ठीक है सर।